दिस इज द फर्स्ट एपिसोड. जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, अल्लाह हू अकबर, प्रेज द लॉर्ड. इन दीज डार्क टाइम्स हियर आर थ्री ओल्ड मैन ट्राइंग टू मेक ईच अदर लाफ, एंड इन एपिसोड वन इट्स गोना बी मी ट्राइंग टू मेक दीज टू मोरॉन्स लाफ. स्पीक फॉर योरसेल, ओल्ड किसको बोल रहा है बे? वैलिड पॉइंट. आई एम 35 years young. I am so old that, okay, I have to figure out how it's done. That's This how thing. old you are. So, This is for everybody who's watching this pilot episode. This is how old the three of us are. Carl is trying to be like, can you see what I am showing? Is it working? I need to be able to relate to young people. Yes. आजकल क्या बोलते हैं, हिप एंड यूथ हैपनिंग ब्रो, यूथ ऐसे वाला कुछ तो. कंटेंट. ये एल्विश यादव क्या होता है, व्हाट आई लर्न यस्टरडे. विच इज कूल, नोबडी नीड्स टू नो हु एल्विश यादव इज. आई थिंक दैट मैन्स आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी इन जनरल, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस. मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मुंबई आके मेरे को पीट के जाए, तो दैट्स आई ट्रू. स्टे अवे फ्रॉम दिस होल तो कॉन्वर्सेशन. मुंबई क्यों बोला? यू कुड हैव बीन एनीवेयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड या ब्रो. वैलिड क्यों पॉइंट. लोकेशन दे रहे हैं? क्यों एल्विश लोकेशन यादव दे विल रहे हैं फाइंड सबको? आउट. आई एम गोना गिव यू अ रियल रीजन टू फील बैड. व्हिच इज, दिस वीडियो अच्छा, इज दैट व्हाट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद? वी आर स्टार्टिंग ऑफ, इट वाज़न्ट पार्ट ऑफ द प्लान, बट है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो. एक आई हैव वन Just क्वेश्चन celebrating अगर him because he met Elvis Yadav. has he become a doctor? Has he joined the army? Has he saved some child's life from drowning in a well? He met Elvis Yadav. It's a band, baja, garlands, all the elders come and देखो, ये play. समझ नहीं रहा बाकी लोगों को कैसे पता है कि एल्विश यादव कौन है. वो बाल सफेद है उस बंदे के जो माला डाल रहा है. यार मेरे को तो जिसपे ये माला डाली जा रही है और ये बंदा जिससे ये मिलके आया है एल्विश यादव, ये दोनों मेरे को सेम ही लग रहे हैं. हाउ डज एनीबडी Yeah, नो हु इज because he एल्विश एंड wants to हु look like इज his hero, and ब्रो? he's gone from Aligarh to Gurgaon. ये तो कल मेरे घर पे मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर डिलीवर करने आया फैसिलिटी पे. अच्छी बात है यार. आई एम जस्ट सेइंग, कॉफी ऑलराइट, चाट इफ चाट दिस, के दिया. हाँ, दिस वेरी एलिटिस्ट बट श्योर, दिस वीडियो इज द आंसर टू द क्वेश्चन, यार भारत में बेरोजगारी कितनी है? अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो ये वीडियो दिखाओ एंड द मैटर इज वेरी वेरी क्लियर. यू डोंट या नीड भारत में स्टेटिस्टिक्स, हीरो यू डोंट नीड, वर्शिपिंग कितनी होती है? या द होल विलेज, एल्डर्स, आंटीज, दिस येलो आंटी नोज हु एल्विश यादव इज. आई थिंक येलो आंटी इज जस्ट गोइंग ऑन सेइंग यार इसकी शादी तो नहीं होने वाली है, लड़की ने ये लड़के की शादी तो नहीं होने वाली है. दिस इज द क्लोजेस्ट आई कैन गेट. दद्दू कांट अफोर्ड अ शर्ट, फकर्स पुटिंग गार्लैंड्स ऑन अनदर मैन फॉर मीटिंग एल्विश यादव. माय गॉड. चलो, नाउ दैट वी नो. आई लव दिस कॉमेंट बाय द वे. गोलची का जो कॉमेंट है, ब्रो सर्वाइव्ड कैंसर, डिजर्व द वेलकम. आई थिंक अमेजिंग कॉमेंट है, सो वेल डन गोलची. ब्रो इज द कैंसर. माय एग्जैक्टली. चलो गॉड. नेक्स्ट वाला देखे. यस सर, मनीष सेंट मी दिस वन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशदीम ओलंपियन, जेवलिन थ्रोवर. पाकिस्तान के 17वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूँ कि हम पाकिस्तानी इस दिन एक कौम बनकर इस बात का तहिया करें कि हम एक हैं. जिस तरह 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में नेजे में गोल्ड मेडल जीतने के मौके पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों में एक खुशी की लहर देखी गई, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर मेरा साथ दें और जिस तरह मैं 14 अगस्त के लिए अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदल कर इस कैंपेन का आगाज कर रहा हूं,
तो आप सब भी मेरा साथ दें और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करें और यकजान पाकिस्तानी होकर पूरी दुनिया को दिखाएं। आपका शुक्रिया। वो सुनाई नहीं दे रहा इसमें वीडियो में, लेकिन मैंने वो वीडियो इसीलिए पे किया था कि ये बंदे को ना गोल्ड मेडल इसमें भी मिलना चाहिए। उसने फोकस नहीं तोड़ा अपना बिल्कुल भी, पीछे अपना खर्राटे चल रहे हैं वो अपना, लेकिन उसने जो बोलना है ना वो बोल के गया है अपना पूरा अच्छे से। देयर इज लाइक समवन स्नोरिंग सो लाउडली, और भाई उस बंदे के अंदर ना मतलब करने का टैलेंट है, मतलब रीजन व्हाईल एट द ओलंपिक्स and the three of us are sitting in our boxers at home trying to make fun of him. That it's is the difference. It's funny because it's true. Gold medalist ko aisa nahi bolne ka. Aisa nahi bolega. Elvis Yadav ko bol sakte hai. Haan. Without net, doggy style life is 3 days past. Net ke bagair 3 din humne kutte wali zindagi guzari hai. You are not addresses. Tumhe nahi pata. Hey, when I just saw the first line, I was like, doggy style life for 3 days in speed. I was like, meko net nahi chahiye. Correct. I agree with the sentiment. Agar mere ghar pe 3 din net chala gaya, to main bhi kisi ka khoon kar dunga. Aise mujhe lag raha hai. I also want to talk about this caption. Yeah. Ye tumne dekha hai kya? It's just a bot has decided this would be a great place to advertise the cyber truck. ये आजकल बहुत सारे मीम पेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे मीम पेजेस पे रैंडम रील पे द कैप्शन इज ऑलवेज चैट जीपीटी जनरेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट सम कार, आइदर द टेस्ला साइबर ट्रक और द मर्सिडीज सीएलआर जीटीएक्स और व्हाटएवर। व्हाई एंगेजमेंट? इट इज, इट स्टार्टेड ऑफ एज सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक फॉर गेमिंग द एल्गोरिथम, पर अभी ये जोक बन चुका है तो सब लोग वैसे ही डाल रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट अफेक्ट्स, हाउ इट डजंट अफेक्ट, पर हर रील पे यही है। एंड ऐसे लग रहा है बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम, अभी मुझे मर्सिडीज और टेस्ला साइबर ट्रक के बारे में सब पता है बिकॉज आई हैव रेड इट सो ऑफन, मेरा रट्टा मार चुका हूं मैं। दैट्स क्रेजी दैट आई वांटेड टू शो यू दिस गाय बट वी आर एक्चुअली एनामोर्ड बाय दिस। या व्हेन द, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द कैप्शन वांट्स टू डू, व्हेन द कैप्शन इज मोर इंटरेस्टिंग देन द रील इटसेल्फ। Now I get it. What is a milesal range? 300 milesal. It doesn't matter. who gives a shit? Like, it doesn't matter. ये copy paste. साल तक 300 mile चलेगा. You can copy paste anything long, and apparently it tricks the algorithm into showing your content to more people or something like that. ऐसा कुछ तो scene है. मैं try किया इसके बारे में पढ़ने में on Reddit and all, पर बेसिकली लोग पब्लिक को चुतिया बता रहे हैं, दैट्स बेसिकली इट। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कुत्ते जैसी जिंदगी एंड डॉगी स्टाइल लाइफ करेक्ट है, यू कांट डिनाई दैट, करेक्ट है। या अभी अंकल को पता नहीं डॉगी स्टाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। आई डोंट नो इफ वी शुड बी कॉलिंग हिम अंकल, आई फील लाइक ही इज यंगर देन अस, इट्स जस्ट दैट ग्लोरियस मस्टाश ऑफ हिज दैट इज मेकिंग हिम लुक लिटिल, प्रोबब्ली ही कुड बी अ बिट, इट्स अ वेरी हैंडसम मस्टाश द मैन हैज, बट लुक एट स्किन, हिज स्किन इज फ्लॉलेस। आई डोंट नो गर्ल्स हु हैव स्किन दिस प्रीटी इन बॉम्बे। या हिज स्किन इज बेटर देन माय स्किन फॉर श्योर। अमो most people's skin is better than your skin, bro. That don't lose that. That's a very, low bar. You know, they talk about my skin, okay, chal, Carl, my skin is better than Carl's skin, I'll give you that much, but your skin compares to this beautiful man over here, I'm falling in love. I like his teeth also. Fuck, before I say something, I think it's time to move on to the next time one. Time to move on and to the next one. I love this one. My husband is from Pakistan and today we're gonna answer a question. मैं लबनान से हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ।
बात को समझो मम्मी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे लेबनान जाना पड़ेगा कोई भी हाल में, वहां जाके ही मेरा कुछ हो सकता है, वहां जाके मैं भली कम पैसे कमाऊंगा लेकिन खुश तो रहूंगा। This beauty in that boy's performance. His performance is this few Bollywood actors who could hit that pitch so beautifully. अच्छा सच बता, तू लड़के के परफॉर्मेंस को नोटिस कर रहा था? I did notice him on my fifth or sixth watch. I finally went, why is she doing that? Then I was like, oh shit, there's a human being there. you're right, I didn't. No, my first reaction when she nudges him, it's like beauty with brain freeze. Beauty with brain freeze. He's like, I don't think that's the only thing of his that gets solid when I'm frozen, but yeah. She's cute, yeah. But Lebanon does have the best women in the world. If you've been to Dubai, the hottest woman on any footpath will be a Lebanese. तुझे कैसे पता कि वो लेबनन से है रे दुबई में? That's the point. You go to every woman in Dubai and ask them. I didn't make that. Good question. Very good question. So I worked in Dubai. Okay. There used to be a coffee shop and a bar and a restaurant at the bottom. I did strike one, two conversations with, like, they were that hot that you want to, like, you know, make small talk. Excuse me, ma'am. Do you know the time types? They would always be Lebanese. Google this. Hottest women in the world are Lebanese. You'll find 5,000 pages that agree with me. We'll watch her one more time. Let me just see where my wife is. Considering we're going to be putting this on YouTube and the whole world will see it, I'm too late. Ye edit hoga, bro. मैं पाकिस्तान से हूँ। बात को समझो मम्मी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे लेबनान जाना पड़ेगा कोई भी हाल में, वहां जाके ही मेरा कुछ हो सकता है, वहां जाके मैं भली कम पैसे कमाऊंगा लेकिन खुश तो रहूंगा। आई जस्ट नोटिस दैट ही इज एक्चुअली टैग दैट गर्ल, या व्हाइल ही इज टॉकिंग ऑन द फोन ही इज आउटेड हर हैंडल, व्हिच इज नॉट कूल. Which Let's is not cool. I won't play that part. Now that I've noticed it, I won't play that part. If anybody wants to check it out, they can go to Rehangram and click on this video and see it for themselves. But why are you pointing it out? We are giving people. Yeah? We are not coming in the way of other people. No. What is it called? No cock block. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. And I need you. Sometimes life does a fuck you in particular. Yeah. You know, it's just like, fuck you. Why? No, fuck you. The 14,000 fish in the lake, you got caught. Fuck you. This is like me minding my own business and suddenly my luck. Yeah. It's happened to all of us. Again, funny because it's true. I just want to say to all the Western people, all the white people from all over the world who make fun of Indians, ke, yaar, tum log ke na, I mean, they don't say, like, I'm saying it in Hindi because they don't know it, but you know how they say, ke, oh, you have cows on your road, you have elephants on your road. Ye dekho, sir, ji. Ye kya hai? Hey, third world, don't cope. Huh? They're obviously in some race course wala park. Look at that track. Look at the lawns in the background. Look at the railing. Look at the trees. I'm sure America wagera mein aisa ghode wagera nahi chalte hote. Apna Pawai Hiranandani bhi aisa nahi dikhta hai, bro. Please. To main wohi bol raha hu na. Aur hum log ka ek beautiful white pony with saddle. Hum log ka matlab bhais, what is it called? Tabela wala SKPs are not there na. Cute if it, but have you seen? But have you seen a tabela wala SKP hit a woman and her child like this randomly in the middle of the road? I haven't. So I'm just saying. Arey, what are you saying? There's hazard videos of those cows suddenly running into a shop and like, what is the word? Goading. What is it called when they smash someone? Anyways. Yeah. And that was our animal section. Yeah. Tum piyo to Ganga jal hai ye. हम अगर पिए तो है शराब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। और बताओ सर, आप मुंबई नहीं आ सकते? हाँ नहीं आ सकते. No man, I'm saving this. Emotion 100%, sense 0%. मतलब
तुम पियो तो गंगा जल है, मैंने कोई दारू पी रहा है और उसको किसी को बोलते हुए नहीं दे, अरे ये तो गंगा जल है भाई। यार करेक्ट है, बट एट द सेम टाइम हिमेश भी गाया था तेरा प्यार 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 हुक्का बार, सो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन लॉजिक एंड अ बैंगिंग ट्रैक, एंड आई फील लाइक दिस इज अ बैंगिंग ट्रैक. क्या बट वोकल्स वी यार, आर ब्रिंगिंग हिमेश रेशमिया इन द पिक्चर, यू आर सेटिंग द बार ऑलरेडी क्वाइट लो। दैट्स ट्रू. मनीष, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस अंकल ऑन स्क्रीन, हिज बार इज सबटेरेनियन. हिज बार्स आर वेरी हाई डूड. क्या वोकल रेंज है अंकल की. आई दैट इज एम वॉट इट इज. सेइंग लाइक द सिंगिंग इमोशंस ऑल दैट 100%। उदित नारायण बीता. I honestly connected with the message. This is something I'm going to keep on my phone for every time my wife tells me, "Chalo na, baby, enough." I'm just going to play this. I'm not going to have to say a word. She'll be put in a place. She'll quietly go to the kitchen and fix me another drink just because she heard this song. It's going to be my everyday thing now. Either that or she's going to spill your blood, which is going to be like gulab. Ta-da! One of the two. And I would love to know what happens. So please, the next time you try that shit with your wife, na, please एक कैमरा पे रिकॉर्डिंग चालू रखो एंड कीप लाइव स्ट्रीमिंग इट टू मनीष एंड मी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ दैट टर्न्स आउट. Yeah, the hint is in the fact that this uncle is alone and there's no woman in his frame. दैट्स ट्रू. अरे पर उधर से ही तो ना, सच्चाई से तो दर्द आता है. दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मे ऑल बी देयर आर्ट. इज अ वुमन एंड शी इज नॉट लेटिंग हिम ड्रिंक एंड दैट्स फ्रॉम वेयर द रियल इमोशंस आर कमिंग इन। ही डज लुक लाइक समबडी हुज नॉट हैड अ ड्रिंक इन अ वाइल, या हुज और अ यूज्ड वुमन टू इन अ वाइल, ड्रिंकिंग. ही लुक्स लाइक ही हैड अ ड्रिंक लास्ट नाइट ओनली. या ही इज गॉट माय काइंड ऑफ पफी चीक्स, माय काइंड ऑफ पफी आईज, माय बट काइंड दैट्स व्हाट आई एम ऑफ सेइंग, नो इट एवरीथिंग. वाज लास्ट नाइट। कितना टाइम हो गया तब से, एंड ही इज चलो, वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फाइन जेंटलमैन टुडे. थैंक यू सो ऑसम, मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो फिर मच। मिलेंगे. टेक चलते केयर, चलते, ऑल राइट, बाय. सी यू, बाय।